हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है ना। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर आप परमाणु द्रव्यमान बता दीजिए ताकि हम लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो हम आज इस वीडियो में खाली आपको एटॉमिक मास निकालना बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आपको परमाणु द्रव्यमान याद रहना चाहिए। मतलब जितने भी हम लोग का तत्व होता है उन तत्वों का सबसे पहले तो सर परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। देखिए क्या कीजिएगा, अगर आपसे मतलब दो तीन पर ये फार्मूला नहीं लागू होता है लेकिन ज़्यादा पर लागू होता है क्या सर, जैसे मैं अगर सम संख्या रहेगा है ना, सम संख्या का मतलब हमें मान लीजिए हमें हीलियम का निकालें परमाणु द्रव्यमान। सम संख्या है क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, दो। दो सम संख्या है तो जब सम संख्या रहेगा ना उसमें टू से गुणा कर देना है, टू से गुणा कर देना। देखो टू से गुणा कितना जगह, चार जगह। अगर वहीं हमें विषम संख्या निकालना है तो क्या कीजिएगा, टू गुणा टू कीजिएगा प्लस वन जोड़ दीजिएगा। जैसे हम लिथियम निकालते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, तीन होता है। ओके, तीन होता है क्या, ये विषम है। विषम होगा तो क्या सर ट्रिक बताएं कि दो से गुणा कर कर प्लस वन जोड़ देना है ना। जितना यहाँ पर रहेगा उतना से गुणा कर कर है ना, मतलब तीन है तो तीन लिखूंगा, टू से गुणा कर प्लस वन जोड़ दे रहे हैं, आपका निकल जाएगा उसका परमाणु द्रव्यमान। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या जाते हैं, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या देगा, जिसे मैं आपसे H2SO4 का किसी ने क्या कहा कि बताइए सर इसका हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना है, कैसे निकाल जाता है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन कितना है, चार है, ये तो पहचान लोगे। ओके सर, अब परमाणु द्रव्यमान निकालने में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान निकालने में क्या कहते हैं, किसी एक तत्व को लिखने के बाद अगर हम दूसरे तत्व को निकालते हैं तो बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह देंगे, है ना, क्योंकि जो ये सब होता है परमाणु द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। जब हम इसमें निकालेंगे एक तत्व के बाद दूसरे एक तत्व में जाएंगे तो प्लस का निशान देंगे। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, एक है, एक यहाँ पर लिख दूंगा है ना, एक गुण है। देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक है तो एक, कौन को हाइड्रोजन है सर, दो है तो दो, बीच में एक तत्व को निकालने के बाद दूसरे में प्लस। ओके, सल्फर का कितना होता है, देखो यहाँ पर सल्फर का कितना लिखा है, बत्तीस, तो लिखो बत्तीस, सल्फर कितना है एक है प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है, सोलह होता है, सोलह, ऑक्सीजन कितना है, चार है। फिर से बात ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या रहेगा, जो भी तत्व दिए रहेगा उसके सबसे पहले क्या परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो देखो हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो हाइड्रोजन का एक होता है तो एक गुण है, हाइड्रोजन कितना है, दो है तो दो, जितना रहेगा उतना से गुणा कर देंगे, पांच रहेगा तो पांच। एक तत्व को लिखने के बाद दूसरा तत्व को निकालेंगे तो बीच में प्लस का निशान देंगे। ओके सर, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का देखो बत्तीस होता है, बत्तीस, सल्फर कितना है एक है तो एक गुण है बत्तीस प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है, सोलह होता है, देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, सोलह होता है, ऑक्सीजन कितना है तो सर ऑलरेडी चार दिया है, हो गया। ओके, अब सिंपल काम है आप कर लेंगे। ओके, एक में दो से गुणा कर दो प्लस, बत्तीस में एक से गुणा कर दो बत्तीस आप प्लस चौंसठ। ओके, बत्तीस दो कितना जगह, चौंतीस आप प्लस चौंसठ जोड़ लीजिएगा तो चार चार आठ और छः तीन नौ मतलब अंठानवे, और अंत में जोड़ देना है एएमयू। एएमयू का मतलब क्या होता है सर, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं परमाणु द्रव्यमान को। ओके, सिंपल है। और सर निकालिए, इसमें और निकालता हूँ। चलो, हमें किसी ने पूछा H2O है ना, और किसी ने पूछा मतलब CH4, बड़े बड़े निकालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो नंबर मतलब दो या तीन वीडियो अपलोड करूंगा इसका। ओके, ओके सर, अब हमें क्या करना है सर, सर अभी अभी क्या आपने बताया, जो भी दिया रहेगा तत्व तो हमें सबसे पहले उसका परमाणु द्रव्यमान लिखना है। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, एक है, एक गुणा कितना है नीचे वा, मतलब हाइड्रोजन कितना है, टू है, टू से गुणा कर दूंगा प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है, सोलह, अगुण ऑक्सीजन कितना है, एक है तो एक। फिर से हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो दो, एक तत्व को लिखने के बाद दूसरे तत्व में प्रवेश करेंगे तो प्लस का निशान। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है, सोलह होता है, सोलह कितना ऑक्सीजन है, एक है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो कितना हो जाएगा, टू आप प्लस सोलह इक्वल टू में कितना आएगा, अठारह एएमयू। सिंपल है, ये सब सिंपल है, किसी को एक बार बताइएगा तो वो समझ जाएगा है ना, बस ये आपको याद रहना चाहिए। ओके सर, मान लीजिए किसी ने इसका पूछा है ना, CH4 मतलब मीथेन का किसी ने पूछा तो कैसे निकल जाता है, ध्यान रखिए सर। देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का बारह होता है तो बारह गुणा कार्बन कितना है, एक है तो एक,
इसका हो गया, अब दूसरा तत्व को निकालेंगे तो बीच में प्लस। ओके सर, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है, तो एक गुणा कितना हाइड्रोजन है, हाँ बगल वाला चार है, तो सर गुड चार, कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 एमयू, सिंपल है। ओके और बता दीजिए, लंबा लंबा जैसे बनाना होगा तो जैसे मैं K2SO4 का हमें बनाना है, हाँ K2SO4, ये तो लंबा लंबा बता दूंगा, छोटा छोटा निकाले, लंबा भी लंबा भी बहुत आसान है, बस आप लोग को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके सर, ओके देखो पहले देखते हैं कि कौन सा तत्व है, पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 40 होता है, तो 40 गुणा पोटेशियम कितना है 2 है, तो 2। फिर से कोई भी तत्व जी रहेगा सबसे पहले उसका लिखेंगे, तो पोटेशियम का 40 होता है, कितना है 2 है, तो 2। फिर एक तत्व को लिखने के बाद दूसरा तत्व में जाएगा तो प्लस। ओके सल्फर का कितना होता है 32, सल्फर एक है तो एक प्लस, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 गुणा कितना हो जाएगा 4, आता है 16 × 2 = 80 प्लस 32 प्लस 64 जोड़िएगा तो 4 × 2 = 6 8 × 4 = 14 15 × 16 = 17 मतलब 176 आ जाएगा एम यू। ओके चलिए 4 × 2 = 6 9 9 8 17 फिर से एक बार जो भी तत्व दिया रहेगा उसके सबसे पहले लिख देंगे, देखो पोटेशियम का 40 होता है, पोटेशियम कितना है 2 सर, एक तत्व को लिखने के बाद दूसरे में जाएंगे तो प्लस, सल्फर का 32 सल्फर एक है तो एक, फिर इसका हो गया दूसरा में जाएंगे तो प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 4 है तो 4 ना 64 × 64 = 32 और 80 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। ओके ओके और एक निकाल दीजिए सर, CaCO3, ये फॉर्मूला है दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट, है ना कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम लोग संगमरमर करते हैं, या हम लोग चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, तीन तीन नाम से जानते हैं। ओके हमें इसका हमें निकालना है, चलिए निकालते हैं सर। ओके सबसे पहले देखेंगे ये कौन सा तत्व है, कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, 40 गुणा कैल्शियम कितना है एक है तो एक प्लस, दूसरा का निकालेंगे तो प्लस, कार्बन का कितना होता है 12 तो 12 गुणा कितना कार्बन है एक है एक, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 3 होता है, देखो सॉरी ऑक्सीजन कितना 16 होता है 16, ऑक्सीजन कितना है सर कितना है ऑक्सीजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके फाइनल जवाब रहा 40 प्लस 12 प्लस 48 तो 8 × 2 = 10 के जीरो हासिल 1। ओके और 4 × 4 = 8 8 × 1 = 10 मतलब 100 AMU आ गया इसका, बहुत इजी होता है, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान से निकाल लीजिएगा। ओके और बना देता हूँ, हाँ होमवर्क भी मिलेगा। ओके और मैं अपना नंबर भी दूंगा, उस पर भी सेंड कर देना है। ओके चल अब लंबा लंबा करवा दीजिए थोड़ा, ये तो बच्चों का खेल है, नहीं ओके बच्चों का खेल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और हम करवा देते हैं जैसे में जैसे जैसे मान लीजिए क्या कहा किसी ने, जैसे में CH3COOH है ना, ये लंबा है। ओके सर ये लंबा है, हमें इसका पूछा किसी ने तो क्या करते हैं, देखो एक चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक और हम लोग इसको बना सकते हैं क्या सर, देखो यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन कितना है 2 है, कार्बन 2 लिख सकता हूँ। ओके सर हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है तो इसको 4 लिख सकता हूँ। ओके ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर O2 लिख सकता हूँ, उसी को मैंने थोड़ा विस्तार में कर छोटा बना दिया, छोटा बना दिया। ओके सर अब कार्बन का कितना होता है 12, 12 गुणा कार्बन कितना है 2 है तो 2 प्लस, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 4 है तो 4 प्लस, ऑक्सीजन कितना होता है 16 तो 16 गुणा कितना ऑक्सीजन है 2 है तो 2। ओके तो 24 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 32 जोड़िएगा तो 24 4 28 प्लस 32 जोड़िएगा तो 8 × 2 = 0 हाँ से ले 3 × 5 = 106 AMU। ओके आसानी से आप निकाल सकते हैं, है ना देखो आसान है, चलिए। ओके और एक बता दीजिए, और एक घासू ट्रिक ना, देखो Na2CO3 × 10H2O हम इसका किसी ने पूछा निकालो तो कैसे निकाले, ध्यान समझिए इसका रीजन क्या है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग फोड़ डालेंगे चुटकियों में। ओके चलिए देखो कोई नहीं, देखो Na को बोलते हैं सोडियम, देखो Na का सोडियम कितना है, सोडियम होता है 23 गुणा कितना है 2 है तो 2 प्लस। ओके ऑक्सीजन कितना सॉरी कार्बन कितना होता है 12, कितना है 1 है, एक ही ना कार्बन है 1,
प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना है 3 है ओके। फिर बीच में प्लस डालेंगे, फिर बीच में प्लस डालेंगे एक तत्व लिख में 10 है इसको देखो तो सबसे पहले 10 लिख देते हैं, ये 10 है तो 10। फिर क्या करते हैं H2O का हमने अभी अभी निकाला तो 18 आया था, फिर से देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है तो 2 गुणा 1 निकाल ही देता हूँ भाई। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणा 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना है 1 है तो 1 ओके सर। कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10 इसको गुणा कीजिएगा तो 16 2 18 18 में 10 गुणा कीजिएगा तो सीधा जाएगा 180। देखो 16 8 जोड़िएगा कितना होगा 16 2 18 18 में 10 गुणा कीजिए तो 180 आ गया ओके। अब सबको जोड़ दीजिएगा है ना, सबको जोड़ दीजिए, इतना को जोड़िए पहले 8 2 10 10 6 16 के 6 हाँ से लेकर लगा 4 4 8 8 1 9 81 10 मतलब 106 प्लस 180। अब तो जोड़ना आसान है 0 6 6 8 0 8 1 1 2 286 mu आ जाएगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बस बस पेशेंस रखिए आप कुछ मतलब ये सब इजी होता है ना, कुछ नहीं करना है। मतलब जो भी एटॉमिक नंबर दिया रहेगा ना हमारे यहाँ पर डिजिट दिया रहेगा तो डिजिट को बाहर कर देना है, जिसको हम निकालना है उसको पोस्ट में कर देंगे, फिर जितना आएगा उतने में से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। अब होमवर्क लिखिए HW लिखिए HW सब बनना चाहिए ओके ओके सर। अब बनकर नंबर भी दूंगा है ना, चलिए बनाइएगा HNO3 शानदार तरीका से आप पढ़ते हैं, बहुत बहुत आप लोगों को क्या बोला ज्यादा नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा भेद कीजिएगा। NH3 ओके ओके। और जो अंक वाला होता है इसको देखो, अंक वाला CaSO4 × 5H2 है ना, ये वाला बना दिएगा जो इस बीच में। मेरा नंबर है 6206463083। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे पूरा बनाकर भेजना है ना, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे 6206463083 मेरा नंबर है, उस नंबर पर भेज देना है ना, आप आसानी से उतार लीजिए, बहुत इजी होता है ना। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए।